हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं अजय कृष्ण पाठक, आपका केमिकल साइंस एजुकेटर। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिकल साइंस पढ़ाता हूँ। केमिकल साइंस जिन लोगों को CSIR नेट की प्रिपरेशन करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए। और सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे फॉलो करिए और उससे पढ़िए, बिकॉज आई हैव 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड टॉट 10,000+ स्टूडेंट्स एंड प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ रैंक इन IIT एग्जाम, CSIR, JRF एज वेल एज इन गेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट बुक विद रिस्पेक्ट टू सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। डिफरेंट टॉपिक के रेस्पेक्ट में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, जो नया है उसके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और जो आगे पढ़ना चाहता है उसे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है एग्जाम में आपका CSIR नेट के एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो काफी अच्छा खासा वेटेज है। 20+ मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। और ये एक ऐसी टॉपिक है जिसे कभी आपको एग्जाम में छोड़ के जाना ही नहीं है। एग्जाम में छोड़ के जाने का मतलब है कि आप कॉम्पिटिशन से हो रहे हो बाहर। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन, तो उनके लिए सबसे बढ़िया बुक है कि आप अजय कुमार की बुक पढ़िए। अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो बुक है, आप एज ए बिगनर्स आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही आसान किताब है। और आप इसको आपके एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होगी और आप इस चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना है तो यू कैन स्टडी विद पूरी शर्मा पठान, पूरी शर्मा कालिया की जो बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप बैचलर लेवल पर अपने कॉलेजेस में पढ़े होंगे, इवन मास्टर लेवल पर भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इसके चैप्टर 26 एंड 31 जो है ये भी अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए काफी अच्छे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप कोई भी बुक को पूरी फॉलो कर सकते हो, बट अच्छा होगा कि सबसे पहले आप ये बुक्स पढ़ लो। इन दोनों को बुक पढ़ने के बाद अगर आप कोई की तरफ जाओगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका चैप्टर 11, 12, 13 जो है वो ओल्ड एडिशन, मैं फोर्थ एडिशन के रेस्पेक्ट में बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर्स जो है इनको आप फॉलो करिए तो आपके ऑर्गेनो और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट माय एक्सपीरियंस कि आपकी स्टार्टिंग इसी किताब से होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे पढ़िए, उसके बाद आप इसकी तरफ मूव करिए। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा क्लियर होगा और आप PYQs भी देखते जाइए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव PYQs सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। आगे बात करें तो एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस टॉपिक के मार्क्स भी आपके 25+ मार्क्स होते हैं एग्जाम में। मतलब आप इन दो टॉपिक के बारे में बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 50+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो जिस किसी को भी इस किताब को पढ़ना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, जिस किसी को भी स्टार्टिंग करनी है तो बिगनर्स जो है वो भी इसी किताब से, अजय सर की बुक से स्टार्ट करें, अजय कुमार की बुक से स्टार्ट करें। ऑर्गेनोमेट्रिक, इवन ये बायो इनऑर्गेनिक के लिए भी अच्छी किताब है बिगनर्स के लिए। अगर आप ये किताब पढ़ने में कैपेबल हो तो आप इसकी तरफ भी मूव कर सकते हो। ये दोनों बुकें बहुत अच्छी हैं, खास करके स्टार्टिंग वालों के लिए जिन्हें स्टार्टिंग करनी है, बीडी गुप्ता एंड एजे इलियास सर की एज वेल एज अजय कुमार सर की। ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, आप इन दोनों किताबों को पढ़ सकते हो और स्टार्टिंग कर सकते हो जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है। इवन ये किताबें आपके जो एग्जाम्स हैं बैचलर मास्टर लेवल पे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। थोड़ा सा आगे जब आप पढ़ोगे तो आप फिर यहाँ पे हुई को फॉलो कर सकते हो, हुई किलो किलर किटर एंड मैधी को चैप्टर 15 आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल होगा। लेकिन स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस कहेगा कि आप इसमें से कोई एक किताब चूज करिए और इसमें से किसी एक से स्टार्टिंग करिए अगर आप बिगनर हैं तो। अब अगर आपको ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की नॉन बिगनर मीन्स आपको अगर हायर लेवल पे पढ़नी है तो आप स्क्लेन ब्रोइच पढ़िए। लेकिन स्क्लेन ब्रोइच और रॉबर्ट एच कैप्ट्री, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इन दोनों किताबों को अगर पढ़ना है तो आपका जो बेसिक होगा वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों किताबों की बुक्स नहीं पढ़नी तो आप मुझे फॉलो करिए, मैं यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी CSIR नेट मैं इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ, आप यहाँ पे भी लेक्चर्स देख सकते हो और आपके लर्निंग ऐप पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। इवन मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, आई हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। तो आप इसमें ये बुक्स पढ़ सकते हो, ये दोनों बुक्स भी बहुत अच्छी हैं हाई लेवल पे। बट स्टार्टिंग आप अजय कुमार सर से करिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या गुप्ता सर से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक भी है जिसके क्वेश्चन जो है
आपके 6+12 मार्क तक के आए हैं, 6 to 12 मार्क्स तक के आए हैं, तो ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी भी अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप अजय कुमार की बुक से ही स्टार्ट करिए। बायो इनऑर्गेनिक के ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है आपके एग्जाम रिलेटेड वो इसमें इंक्लूडेड है। और थोड़ा सा हाई लेवल का आपको पढ़ना है तो आप लिपॉट की बुक पढ़ सकते हो, स्टीफन जे लेपोर्ट एंड जेरेमी एम्बर्ग। बट ये बुक्स आपको तब तक नहीं समझ में आएंगी जब तक आपका थोड़ा बेसिक इसके रेस्पेक्ट में क्लियर नहीं हो। तो बाय इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग के लिए भी आप अजय कुमार बुक पढ़िए, ठीक है, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। आप अगर सीएसआईआर गेट या आप सीएसआईआर या गेट के आप एस्पायरेंट हैं, एज वेल एज अगर आप जैम भी देना चाहते हो तो भी आपको यही फॉलो करना चाहिए। बेटनर्स की बुक जितनी भी है वो सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। हम बात करेंगे अब किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्वांटम केमिस्ट्री है। और क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्वांटम केमिस्ट्री के भी जो क्वेश्चन आते हैं आपके 25+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स से मार्क्स से तो ऊपर ही होते हैं जनरली। सीएसआईआर में अभी तक ये ट्रेंड चला आया है, तो हर वो स्टूडेंट जो शुरुआत करना चाहता है क्वांटम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना चाहता है उसके लिए जो बढ़िया ये है कि आप आर के प्रसाद सर की बुक पढ़िए, बिकॉज दिस इज द इंडियन राइटर, लैंग्वेज आसान है। आर के प्रसाद सर एंड पूरी शर्मा पठानिया की बुक, इन बुक से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप डोनाल्ड ए मैक्यूरी की तरफ जाइए, ये किताब भी बहुत अच्छी, बट स्टार्टिंग आप इंडियन से तो इंडियन से स्टार्ट करेंगे तो लैंग्वेज समझने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। नॉन बिगनर जो हायर लेवल की स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए फ्रिडमैन की बुक, पीटर एटकिंस एंड फ्रिडमैन की बुक बहुत अच्छी है, आप इससे स्टडी कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। साथ ही साथ लेवाइन की बुक के बारे में भी मैं यही कहूंगा। एंड उसके बाद बात करूँ तो एंजल रीड, ये तीनों किताबें जो है क्वांटम के लिए बहुत अच्छी है। क्वांटम केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है आपके लिए ये तीनों किताबें बहुत अच्छी हैं, बट ये ध्यान रहे स्टार्टिंग आपको कहाँ से करनी है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगी और आपको लगेगा कि टॉपिक बहुत टफ है। लेकिन आप स्टार्ट हमेशा वहीं से करिएगा जहां से मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिकल केमिस्ट्री में, स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स। स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स के भी क्वेश्चन जो है 8+ मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, जनरली 6 to 8+ मार्क्स के ही पूछे जाते हैं। स्टेटिस्टिकल बिगनर एंड नॉन बिगनर के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप जो है कि एंजल रीड्स आप एक बार उठाइए, इसके चैप्टर 13, 14, 15 से आप स्टडी कर सकते हो, एज वेल एज आप पीटर एटकिंस एंड जूलियो डी पावला की 15, 16 चैप्टर से भी आप स्टडी कर सकते हो। ये किताब भी आपके लिए बहुत अच्छी है। फिजिकल केमिस्ट्री का आपका एक और टॉपिक है जो काफी हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए। साथ ही साथ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपके 8+ मार्क्स के ही आते हैं, ये भी टॉपिक बहुत अच्छी है, टॉपिक बहुत अच्छी है एज वेल एज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ने के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड है। तो जिन किसी को भी इस टॉपिक की स्टार्टिंग करनी है वो केल कपूर की बुक उठा सकते हैं, Volume 3, केल कपूर का Volume 3 Chapter 8 से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपको हायर लेवल पे पढ़नी है तो फिलिप एस रिजर की बुक पढ़िए, ये किताब भी बहुत बढ़िया है, बट नॉन बिगिनर के लिए, जिनके पास थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नॉलेज है, जिनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वो वहीं से स्टार्ट करें ज्यादा अच्छा रहेगा। या किसी और इंडियन राइटर्स की बुक उठा सकते हैं, पूरी शर्मा पठानिया की बुक से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो अब हम आ जाते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होने के लिए केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज टॉपिक आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर भी मैं बताना चाहूंगा आप अगर बैचलर लेवल के बाद मास्टर लेवल क्रॉस कर चुके तो इसका मतलब आपको ये सारी टॉपिक्स आनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए पाउला एवाई ब्रुइस की बुक जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है बिगनर के लिए। ये जिन लोगों को भी स्टार्टिंग करनी है उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री समझनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री, बिकॉज विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अधूरी है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री यूज्ड इन टू आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज विच प्रोडक्ट विल बी मेजर आइदर विच प्रोडक्ट विल बी माइनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। फॉर स्टीरियो केमिस्ट्री द बेस्ट बुक इज फॉर बिगिनर
पीएस कलसी की किताब आप पढ़ सकते हो, आप बेसिक समझ सकते हो। इवन इन स्टीडियो केमिस्ट्री का चैप्टर इसमें भी इंक्लूडेड है, आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एरोमेटिक सिस्टम पे रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म प्रेजेंट है, बट वो बेसिक लेवल पे है। यहाँ के क्वेश्चंस भी बेसिक लेवल पे हैं, आप स्टार्टिंग में आप समझ सकते हो, आपके लिए समझने के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। आगे अगर हम बात करें, आपको अगर एडवांस लेवल पे आना है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लैडन रिप्स वारेन बोथर्स की बुक, ये बहुत अच्छी किताब है। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है एच एन गैप का कॉन्सेप्ट है, तो ज्यादातर स्टूडेंट एसिड बेस से पढ़ते हैं तो उन्हें हवा नहीं लगती, वो बोर हो जाएंगे इस किताब को पढ़ने के लिए। तो आई एम ऑल्सो एजुकेटर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी, मैं यहाँ पे भी पढ़ाता हूँ, मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर्स देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म के, और इवन मैं सोल्यूशन भी करा रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको किन किन बुक्स का सोल्यूशन करा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूँ एप्लीकेशन पे स्पेशल क्लासेस में, जो आपके लिए फ्री है, सारे एस्पायरेंट्स के लिए फ्री है। अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप है तो आप अपना कोर्स सेलेक्ट करिए और जाके वहाँ पे आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए वो कोर्सेज फ्री है, वहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री है, बस आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए। नहीं है तो भाई आज उसको डाउनलोड कर लो फटाफट, ये बता दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये बता दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको हायर लेवल पे पहुंच जाना है, थोड़ा रिएजेंट के बारे में भी पढ़ना है और रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा इनहांस करना है, फॉर्मेशन ऑफ अल्किन, फॉर्मेशन ऑफ एनोलिक केमिस्ट्री के बारे में भी अगर स्टडी करनी है, तो ये सब इंक्लूडेड तो यहाँ पे भी है। ज्वेपेल में आप मूव कर सकते हो, ज्वेपेल एंड माइकल नॉट्स, जिसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके ये बुक किताब जो है आपके रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के लिए बड़ी अच्छी बुक है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। बट बेसिक वो क्लियर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एज ए बिगिनर आप बेसिक अपना क्लियर कर रहे रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हायर लेवल पे चलते हैं, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आपको हायर लेवल की पढ़नी है तो आप फॉलो करिए एल एल की बुक, ये बहुत अच्छी किताब है एल एल की, आप स्टीरियो केमिस्ट्री हायर लेवल की यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक और किताब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कैरोथर एंड कोल्ड हैम की, इसका सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, फ्री है आप लोगों के लिए, यहाँ पे यूट्यूब पे ही मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, चैनल मेरा यही है, इसी चैनल पे कर रहा हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और इसके सोल्यूशन को जाके आप कंपेयर कर सकते हो, एनी फैकल्टी जिन किसी ने भी इस सोल्यूशन को कराया होगा आप जाके कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के बाद आप बताना कि मैं कैसा करा रहा हूँ, बाकी लोगों ने कैसा कराया है, फिर कंपेयर करके पहले देख लेना कि कौन बेटर कराया है कौन नहीं, फिर आप बताना कि किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं है और आपको लेक्चर किसका सही लग रहा है। सारा कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप जाके देख सकते हो, विलियम कैरोथर का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, डेली मेरी क्लासेस होती है शाम को 5:15 बजे, यूट्यूब पे फ्री है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं, और एडवांस लेवल पे जाना है तो ये बहुत अच्छी किताब है फ्रांसिस एकेरे एंड रिचर्ड सर्पर। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए तो क्या है कि ये किताब बहुत अच्छी है, बट ये भी एक तरह से रेफरेंस बुक है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसका सोल्यूशन मैं आपको अपने ऐप पे, इसी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डेली मैं क्वेश्चन, इसका पोल में आप पार्टिसिपेट करिए, पोल में पार्टिसिपेट करते हो तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं, अगर शायद आपको मिल जाए अगर आप सर्च करना चाहोगे तो। बट ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत एडवांस लेवल की, बट इसको तभी पढ़िएगा जब आप पीछे की किताब पे पढ़ चुके हो, बिकॉज इसको तब समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके आगे बात करें तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, अगर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर लें तो 30+ मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं मिनिमम, मैं बता रहा हूँ इससे ऊपर भी आते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट जो स्टार्ट करना चाहते हैं अगर उन्हें ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे बढ़िया है कि आप वाईआर शर्मा से शुरुआत करो। अगर आपको कुछ नहीं आता, इफ यू डोंट नो एनीथिंग इन अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये वाईआर शर्मा किताब बहुत अच्छी है मास मेट्री के लिए, एज वेल एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, यूवी के लिए एंड आईआर के लिए, यूवी के लिए, आईआर के लिए, मास के लिए, एनएमआर के लिए, ये किताब बहुत अच्छी है, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, चाहे रीजनल यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी है, शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हो। अगर मॉलिकुलर भी आपको पढ़नी है, मतलब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास बायर स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आप एच कॉर को भी फॉलो कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये किताब भी बहुत बढ़िया है बैगनर के लिए। हायर लेवल पे जाना है तो आइए हायर लेवल पे बात करते हैं, विलियम कैंप पढ़िए आप, विलियम कैंप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, साथ ही साथ पावेल आपमैन क्रिस एंड बयान की बुक भी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत अच्छी है। इवन मैं एनएमआर पढ़ा रहा हूँ, एनएमआर मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, वाईटी पे मेरी क्लासेस चलती है इसी चैनल पे, एनएमआर के आप जाओगे, अगर आप एनएमआर की क्लास कर लीजिए इन किताबों को पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को फिर भी पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई कर सकते हैं। आगे मैं बात करूं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपको पढ़नी है तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप
कॉलिन एंड बैलवेल एंड मैक हैस की बुक पढ़ सकते हो, ये किताब भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी बुक्स थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और नया आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है तो YT पे, YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी क्लासेज रहती है और एजुकेटेड क्लासेज रहती है, आपको सीखने को भी मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे एटलीस्ट आपको अगर सब्सक्रिप्शन नहीं परचेज करना है तो आप फ्री क्लासेस तो ले ही सकते हो ना, फ्री क्लासेस लेके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, तो फायदा ही फायदा है आप लोगों का। इसलिए फटाफट अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाली बटन दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे चैनल पे जो आपके लिए क्लासेस आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।